दो मीटर चौड़े ये क्रेटर्स मछलियों ने बनाए हैं। नर इनकी देखभाल में तैनात रहते हैं क्योंकि ये इनके लिए मादाओं को रिझाने की जगह है। सिक्लिड्स बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चों को अपने मुंह में छिपाए रखना उनकी हिफाजत का बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि ये झील खतरनाक जगह हो सकती है। अंधेरा होने के बाद शिकारी डॉल्फिन फिश चट्टानों के बीच छिपने की जगह से निकल आती है। शार्क के झुंडों की तरह ये सोती हुई सिक्लिड्स की तलाश में है। अंधेरे में ये इलेक्ट्रिक फिश अपने शरीर के आसपास दौड़ रही बिजली में किसी भी तरह के बदलाव को भांप कर शिकार का पता लगाती है। बाहर निकली कोई भी सिक्लिड इनका निवाला बन जाती है। कहीं कहीं लेक मलावी 700 मीटर तक गहरी है। ये बहस भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। बेस मछली के सबसे मोटे हिस्से खाते हैं, बाकी हिस्से डीकम्पोज होकर आसपास के पेड़ों को पोषण देते हैं। ये पोषण इन पेड़ों के स्वास्थ्य और विकास में मदद करता है। ये अलग बात है कि माइग्रेशन के दौरान सैमन की वजह से कुछ पौधों और जीवों को पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन सैमन्स का एक ही उद्देश्य होता है और वो है अंडे देने की जगह तक पहुँचना। 4 साल पहले पैदा हुई ज्यादातर 100 काई सैमन बच नहीं पाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची वो इतनी मुश्किलें पार करके मेट करने के लिए पहुंच गई हैं। ये फीमेल्स नदी के तल पर एक उथला सा गड्ढा खोदती हैं और उसमें अंडे दे देती हैं, और फिर मेल्स उनके साइड में तैरकर इन अंडों को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह से अगली पीढ़ी की तैयारी पूरी हो जाती है और सैमन का समंदर से ऊंची नदी तक पहुंचने का कठिन सफर सार्थक हो जाता है। है स्टेला, उन खुशकिस्मत नन्हे कछुओं में से एक जो तट से सही सलामत समंदर में पहुंच गए थे। अब ये पैदाइश के समय से 2000 गुना भारी हो चुकी है और तेजी से बड़ी हो रही है। खुले समंदर में मिलने वाले जीवों से अपना पेट भरते हुए इसने एक तत्व सबसे ज्यादा हासिल किया है, हाइड्रोजन। इसके खाने में मौजूद आधे से ज्यादा एटम्स हाइड्रोजन के ही होते हैं और सभी जीवों में ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मछली से लेकर बिना रीढ़ वाले जीव एनेमनीज और कोरल तक, ब्रह्मांड की शुरुआत के समय बने हाइड्रोजन के अणु तारों से पृथ्वी तक पहुंचे, पृथ्वी से जीवों तक और शिकार होने वाले प्राणियों से शिकारियों तक।